भारत देश में एक समाज ऐसा भी है जिसके बिना खुशी हो या त्योहार अधूरा माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में यह समाज पिछड़ा कहलाता है। जी हम बात कर रहे हैं प्रजापति समाज की, और इस पर हमसे ज़्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं राकेश प्रजापति जी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और सर जिस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी सरकार ने, जो दिल्ली बीजेपी ने जिस तरीके से आज प्रजापति समाज को बिजली के चाक जो वितरण किए हैं, इस पर आप कहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने हमारे प्रजापति समाज के वर्ग के बारे में सोचा, और सोचा नहीं उसके क्रियान्वित किया। आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे समाज के लोग जो मिट्टी से बने चाक चलाकर अपने व्यवसाय के अनुसार उस पर दीपक अन्य चीज़ें बनाते थे, आज जिस प्रकार से हमारे को अत्याधुनिक जो बिजली विद्युत रहित जो चाक हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी के माध्यम से मिले हैं, अब इससे हमारे समाज का वर्ग उससे ज़्यादा काम करेगा, जिससे उनकी आजीविका अधिक से अधिक होगी। बात करें मोदी सरकार की, मोदी सरकार ने नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, और जो जो भाजपा शासित क्षेत्र है जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर माटी कला बोर्ड जो प्रजापति समाज को प्रशिक्षण देने के लिए काम कर रहा है, इस तरीके के बोर्ड हम दिल्ली की बात करें तो माटी कला बोर्ड दिल्ली में नहीं है, क्या यहाँ पर भी सरकार के द्वारा होना चाहिए? हमने लगातार सरकारों से मांग करी है कि जिस जिस राज्य के अंदर हमारे माटी कला बोर्ड नहीं है, हमने लगातार माटी कला बोर्ड की मांग करी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माटी कला बोर्ड के माध्यम से इस वर्ग की चिंता की है, और वर्ग की चिंता नहीं करी, इस काम को आगे बढ़ाते हुए अब वहाँ पर माटी कला बोर्ड के हमारे चेयरमैन भाई धर्मवीर प्रजापति जी, उनके माध्यम से अनेकों अनेक कार्य ऐसे हुए हैं। आज छोटे से छोटा वर्ग जो मिट्टी का व्यवसाय करता था, आज वो अपने आप को जो है ना प्रोत्साहित समझकर और उत्साहित बनकर काम को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है। सरकारें बड़े बड़े दावे करती है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में कुछ सरकारें और जो उसको संस्थाएं हैं जो परेशान करती है इस समाज को, जिस तरीके से वो आगे ना बढ़ पाए, इस पर आप क्या कहेंगे? आज जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर, आज पूरे वर्ग के अंदर कहीं पे भी आप चले जाओ, कोई समाज मिले ना मिले, परंतु प्रजापति समाज आपको प्रत्येक गाँव, प्रत्येक देहात, प्रत्येक शहर के अंदर मिलेगा। हमारा जो व्यवसाय, जो हम आवे से, जो मिट्टी के आवे से, जो जिस प्रकार से हम दिए दीपक आदि पकाते थे, आज एनजीटीपी की हमारे ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। आज जैसे कुम्हार कॉलोनी के अंदर लगभग हमारे 22,000 परिवार हैं, और 22,000 परिवारों के अंदर जिनकी आजीविका सिर्फ मिट्टी के व्यवसाय की है, आज चाहे वो उसके अंदर हमारी एनजीटीपी हो, चाहे उसके अंदर दिल्ली सरकार हो, हम अनेकों अनेक बार माध्यम से कि हमारी जो भट्टियाँ हैं उनको सीएनजी के अंदर करने का प्रावधान तो किया, परंतु अभी तक उसका सलूशन ना दिल्ली सरकार ने और ना ही अन्य सरकार ने इसका सलूशन निकाला है। तो क्या कारण है कि सरकार इस समाज के साथ दुहात करती है, चाहे हम बात करें समाज की या राजनीति की? राजनीति के अंदर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के 272 मंडल अध्यक्ष की जो लिस्ट हुई, चाहे जिले की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, सिर्फ एक ही प्रजापति समाज का एक ही व्यक्ति को जो नियुक्त किया गया, कहीं ना कहीं आज भी काम करने की जरूरत है इस समाज को आगे बढ़ने में? ये तो हमारे समाज की विडंबना है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से बताया, हमारे समाज को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, और राष्ट्र निर्माता आज दिल्ली के अंदर चाहे वो 70 विधानसभा हो, चाहे किसी भी पार्टी, और चाहे वो निगम के अंदर जिस प्रकार से आपने बताया, निगम तो छोड़ो मंडल के अंदर जिस प्रकार से एक हमारे भारतीय जनता पार्टी इसके लिए चिंतित है और इसके लिए सोच रही है, कहीं ना कहीं हमारे समाज के वर्ग को स्थान दिया जाएगा। हमारे माननीय आदेश गुप्ता जी भी इसके लिए चिंतित हैं, कहीं ना कहीं कमी रही है, उस कमियों का खमियाजा हम समाज ने भी भुगता है और पार्टी भी इसको, अब जो खमियाजा जो कहीं चूक रही है उस चूक को जो है पार्टी जो है संपूर्ण पूर्ण करेगी। बात करते हैं इस समाज की, तो ये समाज माना जाता है कि ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसी कोई देवी नहीं जो इस समाज में ना पूछती हो, प्रजापति दक्ष के अपन से हम जो समाज ये चलता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पिछड़ने के कारण क्या है? पिछड़े एक्चुअली हमारा समाज जो है वो मिट्टी के व्यवसाय से लगातार जुड़ा रहा है, और ये व्यवसाय नहीं जुड़ा, इसको हमने अपने धर्म के माध्यम से माना है एक बात, और जिस प्रकार से आज मिट्टी के व्यवसाय के सामने आपने देखा होगा, चाहे वो उसके अंदर प्लास्टिक के हों, चाहे वो उसके अंदर स्टील के हों, अनेकों अनेक उसके, और वो मिट्टी से सस्ते इसलिए
क्योंकि वो प्लास्टिक के जो हैं वो फैक्ट्री से बनकर निकल कर आते हैं, मगर ये मिट्टी का बर्तन जो है हमारा स्वयं बनाकर और स्वयं इसको, इसके अंदर हमारी जो है ना मेहनत ज़्यादा लगती है, परंतु उसके अंदर आजीविका जो है ना वो हमें कम मिलती है, और इसी प्रकार से वो महंगा पड़ता है और सस्ता होने के कारण वो एक तो हमारी चीज़ जो है वो पॉल्यूशन नहीं होती, और जो दूसरी अन्य चीज़ें होती हैं, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे वो उसके अंदर स्टील हो, चाहे वो और अन्य धातु हो, वो उसके अंदर जो है घातक रहती है शरीर के लिए। आपको क्या लगता है मोदी सरकार की इस तरह की पहल से क्या हमारे समाज का भला हो सकता है? मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी सोच दूरदृष्टि सोच है, और आज उस दूरदृष्टि सोच के माध्यम से आज जिस प्रकार से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी ने आज हमारे समाज के वर्ग की चिंता की, और समाज के वर्ग की चिंता करते हुए आज हमारे समाज के लोगों को आधुनिक चाक देने का काम किया। तो ये थे हमारे साथ राकेश प्रजापति, कैमरामैन दिनेश के साथ मैं राजेश प्रजापति, दिल्ली दस्तक के लिए।